हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम स्टूडियो 5000 के अंदर हम किस तरीके से मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को मूव कराना हो तो कैसे कराते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पर जब भी काम करते हैं तो हमें टैग बनाने होते हैं, तो हमें यहाँ पर भी टैग डिफाइन करना है। तो सबसे पहले कंट्रोलर टैग में यहाँ पर मैं कुछ टैग क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे इनपुट, क्योंकि मेरे को अगर इनपुट देना होगा तो उसके लिए मेरे को एक टैग डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी इनपुट आउटपुट होते हैं उनको LIS में आप डिफाइन करते हो, देन यहाँ से LIS के बाद लोकल 3i में चले गए और यहाँ से 0 नंबर इनपुट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई आउटपुट आपको ऑन कराना है तो एक आउटपुट टैग आप यहां से डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद यहां से LIS सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, लोकल 3i पर न जाके लोकल 3o में चले जाइए और यहां से एक आउटपुट डिफाइन कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि रेफरेंस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कुछ इंटीजर डिफाइन करने पड़ेंगे, तो इंटीजर आप यहाँ से 00 डिफाइन कर लीजिए और ये बेसिक रहेगा, और यहाँ से डेटा टाइप आप इंटीजर ले लीजिए, राइट। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई और इंटीजर डिफाइन करना हो तो इंटीजर 1 ले लीजिए, इसको भी आप यहाँ से इंटीजर डिफाइन कर लीजिए, एंड साथ में आप चाहते हैं कि इंटीजर 2 डिफाइन करना है आपको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ टैग आप डिफाइन कर लीजिए, जिससे कि आगे जब भी जैसे भी जरूरत होगी आप इनको यूज कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। अब मेरे को क्या करना है कि मुझे जो वैल्यू मूव करानी है, देखिए मूव इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मूव इंस्ट्रक्शन है, मूव एंड लॉजिकल में मूव इंस्ट्रक्शंस हैं एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो मूव इंस्ट्रक्शन का पर्पज क्या होता है कि जो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं सोर्स पर जो भी वैल्यू होगी वो डेस्टिनेशन पर चली जाएगी, यानी अगर आपको कोई भी वैल्यू सोर्स पे आप दे रहे हो वो वैल्यू अगर आप भेजना चाहते हैं कहीं तो वो डेस्टिनेशन पे चली जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, और PLC प्रोग्रामिंग में जब हम यूज करते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन का ज़्यादा यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि स्काडा सॉफ्टवेयर से या HMI से कोई भी वैल्यू या सेट पॉइंट चेंज हो जाए तो उसके लिए मूव इंस्ट्रक्शन ही यूज करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मशीन कोई भी काउंटिंग कर रही है या टाइमिंग हो रही है, मोटर भी पर्टिकुलर टाइम के लिए चल रहा है, तो आप अगर चाहते हैं कि वैल्यू आपकी HMI या स्काडा पर डिस्प्ले हो तो उसके लिए भी मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, राइट। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि एक काउंटर यूज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यूज करना है मेरे को। तो मैंने काउंटर 0 यूज कर लिया और यहाँ पे डेटा डिफाइन कर लेते हैं, एक टैग बना लिया काउंटर का, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मूव इंस्ट्रक्शन यूज कैसे करना है, तो पहले तो एक काउंटर का लॉजिक बना लीजिए छोटा सा। तो काउंटर को चलाने के लिए, जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक इनपुट हमें देना पड़ेगा, देन काउंटर यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, और इसको क्योंकि मैंने अभी टैग बनाया तो यहां से आप डिफाइन कर दीजिए, राइट। तो अभी क्या होगा कि जब भी मैं यहां से पल्सेस दूंगा, इनपुट दूंगा, तो काउंटर मेरा काउंट करेगा पल्सेस, यानी एक्यूमुलेटर चलना स्टार्ट कर देगा। अब फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो कहीं मूव हो जाए, एक डेस्टिनेशन पर चली जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मूव इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया मूव इंस्ट्रक्शन, यहाँ से थोड़ा साइड में आपको जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से, और ये मूव इंस्ट्रक्शन है। तो अब फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ डेस्टिनेशन पर मेरी एक वैल्यू चली जाए, तो यहाँ सोर्स पर आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर का एक्यूमुलेटर लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से मैंने काउंटर का एक्यूमुलेटर ले लिया, अब सोर्स जो है मेरा एक्यूमुलेटर हो गया, यानी जैसे जैसे इनपुट जाएगा काउंटर को, काउंटर काउंट करेगा, एक्यूमुलेटर चलेगा और वो वैल्यू सीधे डेस्टिनेशन पर भेजता रहेगा। अब डेस्टिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने इंटीजर ले लिया, तो इसका मतलब यह है कि ये जो इंटीजर है ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू को यहाँ सेव करेगा। इसी एड्रेस को फ्रेंड हम क्या करते हैं, HMI या स्काडा में ले जाते हैं इस एड्रेस को, तो वहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी एक्यूमुलेटर चलता है, कोई भी काउंटिंग होती है, इवन टाइमर भी चल रहा होता है, हम टाइमर के साथ भी मूव लगा सकते हैं, वो वैल्यू हमें वहाँ पे दिखती रहेगी, यानी स्काडा या HMI में वैल्यू दिखेगी। तो एक बार आपको मैं ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो अभी जो मैंने मूव इंस्ट्रक्शन का यूज आपको बताया वो ये बताया है कि कोई भी अगर वैल्यू हमारी वेरी कर रही है, यानी कोई भी वैल्यू है जो सोर्स पर है, आप चाहते हैं वो वैल्यू डेस्टिनेशन पर चली जाए, तो सोर्स से वैल्यू सीधे हमारी डेस्टिनेशन पर चली जाएगी।
तो मूव इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने इनपुट में अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिया है, कोई भी एड्रेस नहीं लिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे काउंटर काउंट करे सीधे वैल्यू मूव भी होती रहे। तो इसी एड्रेस को अगर मैं इस कार्ड एच एम आई में यूज कर लूंगा तो ये एड्रेस बेसिकली क्या रहेगा, वहां पर भी वैल्यू चेंज होती हुई हमें दिखेगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको पल्स देना है, तो फोर्स ऑन किया आपको, क्योंकि फोर्स के लिए इनेबल करना पड़ेगा। तो देखिए काउंटर ने एक काउंट किया, सीधे वैल्यू क्या हो गई, मूव हो गई। देन आप इसको फोर्स ऑफ करेंगे, फिर से फोर्स ऑन करेंगे, देखिए वैल्यू हमारी टू पे गई, सीधे वैल्यू मूव हो रही है। तो इस वैल्यू को हम डिस्प्ले करा सकते हैं एच एम आई या स्काडा में। आप चाहते हैं इस वैल्यू का यूज आगे लॉजिक बनाने में और करना है, तो आप आगे चल के आप चाहते हैं तो कंपेयर